Hey guys, hello everyone. So welcome to my channel. The name of the channel is Advait Joshi. So in today's video lecture, we are going to see a chapter called as acid bases and salt. It is a chapter for 9th standard 9th state board. Hi everyone, myself Advait Dilip Joshi. I am a lecturer for biology and chemistry. So guys, let's start it. So guys, if you are new to my channel, so please do not forget to like it, share it and subscribe to my channel. And please press the bell icon button so that you can get the latest notification about my videos. So first we will see what are the contents for your topic, okay, for today's video lecture. So the first is what is acid, second is aapka what is base, what are your salts, then what is the difference between your acid and base, what are the difference between your cation and anion, what are your strong acid, strong bases, weak acid and weak base. ओके गाइज, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आपको और हम लोग को लेक्चर, हम लोग को दो तीन लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर लगेंगे, लेकिन ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट है आपके लिए. तो अगर आपका फाउंडेशन या बेसिक अगर आपका अच्छा स्ट्रांग रहेगा तो आपके हायर क्लासेस में आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती. ओके गाइज, लेट स्टार्ट इट. सो आपका पहला है डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस. क्या है आपका डेफिनेशन एसिड एंड बेस का? ओके, सो आपका पहला डेफिनेशन क्या है? एसिड डिजोल्व इन वाटर. आपका एसिड जब भी पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है तभी क्या मिलते हैं? चार्ज पार्टिकल, जैसे हाइड्रोजन आयन्स हम लोग दे आर फॉर्म इन योर वाटर. डेफिनेशन ऑफ बेस क्या दिया है? जब भी आपका एक बेस, जब भी सब्सटेंस पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है, वो कौन से आयन्स प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस योर OH माइनस, मतलब क्या, हाइड्रोक्साइड आयन्स प्रोड्यूस करते. तो यहाँ पे एक अरेनियस वॉज अ साइंटिस्ट, और अरेनियस साइंटिस्ट ने बेसिकली ये डेफिनेशन को हम लोग बोल सकते थे कि डिफाइन किया था. ओके, सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट अरेनियस, हु डिस्क्राइब अ डेफिनेशन कॉल्ड एज एसिड एंड बेस. सो एसिड ऑलवेज कंटेंट्स योर आयन्स कॉल्ड एज हाइड्रोजन आयन्स, वाइल योर बेस ऑलवेज कंटेंट्स आयन्स कॉल्ड एज योर OH माइनस आयन्स. ओके गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. लेट्स मूव अहेड. सो आगे है आपका वॉट आर सॉल्ट. सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट्स आर नथिंग बट आर अ क्लास ऑफ आयोनिक कंपाउंड, जो किससे बनते हैं आपके, जब भी एक एसिड एंड एक बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे तभी हम लोग का एक प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉल्ट. ओके, तो यहाँ पर एक आपका एक बीकर में एसिड है, सेकेंड बीकर में आपका बेस है. यहाँ पर एक हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हम लोग बोल सकते हैं HCl. यहाँ पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर हम लोग का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर. वाटर आपका अपर एरो दिए, तो यहाँ पे अपर एरो का मतलब कि आपका इवेपोरेट होते हैं. तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, देखो, जब भी एक एसिड एंड एक बेस जब रिएक्ट होता है तभी हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है, उसी प्रोडक्ट को बोला जाता है सॉल्ट. अभी देखो आपका ये हाइड्रोजन आयन्स आपके किसके साथ रिएक्ट हो रहे हैं, देखो हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो पहले एग्जांपल देखते हैं. बीकर में जो क्लोरीन आयन्स है ये आपकी किसके साथ जुड़े बनाए हैं? सोडियम के साथ. देखो यहाँ पे NaCl फॉर्म हो गया. ओके, और आपका जो बच्चा, तो आपका NaCl तो सॉल्ट तो मिल गया, लेकिन आपका जो बच्चा हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन, इन्होंने एक दूसरे के साथ जुड़ी बना ली, तो H2 हो गए, और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तो क्या हो गया आपका H2O, दैट इज अ वाटर. वो आपका पानी कैसे हो गया? इवेपोरेट हो गया. सो दिस आर, वी कैन से दिस इज अ टेक्निक, और दिस इज अ, हम लोग बोल सकते हैं मेथड, कि कैसे आपका सॉल्ट्स बनते हैं. ओके, सो NaCl दैट इज अ सोडियम क्लोराइड, वो हम लोग बोलते हैं टेबल सॉल्ट, जो नमक हम लोग जो खाते हैं बेसिकली खाने में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ओनली अ सॉल्ट. ओके गाइज, लेट्स मूव अहेड. आगे है आपका कॉन्सेंट्रेटेड वर्सेज डाइल्यूट. कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ क्या रहेगा? सोल्यूट. सोल्यूट मतलब क्या, जो अगर आपका एसिड या बेस रहेगा, कितने लीटर में आप अगर स्ट्रॉन्ग में अगर आपने बेसिकली मिक्स किया, ज़्यादा उसका अमाउंट लिया. एंड सोल्यूशन मतलब क्या, आप जिसके अंदर डिजोल्व कर रहे हो, जैसे पानी है या कोई भी आपके कंपाउंड्स रहेंगे उसके अंदर डिजोल्व कर रहे हो, तो उसका हम लोग बोल सकते हैं अमाउंट कम रहेगा, देन इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेटेड. यही अगर आप जो सोल्यूशन का अमाउंट ज़्यादा रहेगा एंड आपका डाइल्यूट, हम लोग कभी बोल सकते हैं आपका सोल्यूट का अमाउंट कम रहेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, एंड आपका पर लीटर एंड आपका सोल्यूशन का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ डाइल्यूट. ओके, सो यहाँ पे डाइल्यूट मतलब क्या, जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, अभी का आपका ट्रेंडिंग चालू है, दैट इज अ कोरोना वायरस. तो अभी आप पूछेंगे कोरोना वायरस में आपने, हम लोग घर पे बहुत सारी चीज़ों को डिसइन्फेक्ट करते हैं. ओके, सो अगर आपने कभी देखा रहेगा डेटॉल को आप यूज़ करते हो, तो डेटॉल को पानी के साथ, अगर डेटॉल तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आता है, तो अगर आपने उसे पानी के साथ मिक्स किया तो आपका कैसे हो जाता है? डाइल्यूट. लेकिन अगर आपने पानी का अमाउंट कम रखा एंड डेटॉल का अमाउंट ज़्यादा रखा तो आपका वो होगा कॉन्सेंट्रेटेड. लेकिन आपने अगर डेटॉल का अमाउंट कम रखा एंड पानी का अमाउंट ज़्यादा रखा, देन इट विल बी अ डाइल्यूट सॉल्यूशन. ओके गाइस, सो यहाँ पे एग्जांपल स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी एंड वीक कॉफ़ी. हर एक की जरूरतमंद को अलग अलग रहती है, किसी को स्ट्रॉन्ग लगती है कॉफ़ी, किसी को वीक कॉफ़ी लगती है. ओके गाइस, लेट्स मूव अहेड. आपका है डिफरेंस बिटवीन एसिड बेस एंड सॉल्ट. क्या है एसिड? एसिड में हमेशा आपके हाइड्रोजन आयन्स रहते हैं,
बेसिस में हमेशा आपके हाइड्रोक्सिड आयंस ओ एच माइनस आयंस, आपके बेसिस में हाइड्रोजन आयंस आपके एसिड में, एंड सॉल्ट्स में कैसे रहते हैं आपके न्यूट्रल रहता है। अगर आपने लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर यूज़ किया एंड एसिड के अंदर डिप किया तो आपका क्या होगा, उसका कलर रेड हो जाएगा। अगर आपने रेड लिटमस पेपर यूज़ किया वो बेसिस के अंदर डिप किया तो उसका कलर आ जाएगा ब्लू। एंड सॉल्ट्स के ऊपर लिटमस पेपर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। आपका एसिड का पीएच हमेशा, आपका पीएच क्या रहता है, पीएच इज़ नथिंग बट योर पावर ऑफ हाइड्रोजन। हमेशा आपका एसिड का पीएच लेस देन 7, मतलब क्या 7 से कम, मतलब आपके 4, 5, 6 ये रेंज में रहेगा। बेसिस का आपका पीएच कैसे रहता है, हमेशा आपका 7 से ज़्यादा, मतलब 8, 9, 10। एंड आपका सॉल्ट्स का पीएच क्या रहेगा, आपका हमेशा न्यूट्रल, दैट इज योर 7। ओके गाइज, आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। हमेशा स्टूडेंट बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कैटायन क्या होता है सर, कैथोड क्या होता है, एनायन क्या होता है एंड एनोड क्या रहता है। सो आई विल क्लियर योर डाउट। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं आपका कैटायन एंड एनायन। ओके गाइज, तो कैटायन क्या आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके, कैटायन के अंदर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, वही एनायन के अंदर क्या है नेगेटिव चार्ज है। ओके, ये आपका पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड क्या देखो, कैटायन्स आपके मेटल से बनते हैं, एनायन्स आपके नॉन मेटल से बनते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या, इलेक्ट्रो मतलब क्या इलेक्ट्रिक करंट पास करके अगर कोई भी कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हो, एंड लाइसिस का मतलब है ब्रेकिंग डाउन। तो आपके इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड देखो आपका, सॉरी कैटायन देखो आपका, कैटायन कैसे आपका पॉजिटिवली चार्ज, हमेशा वो किसकी तरफ आकर्षित होता है, हमेशा जोड़ी याद रखो, कैटायन कैथोड एनायन एनोड। ओके, कैटायन कैसे पॉजिटिव चार्ज, वो हमेशा आपके ऑपोजिट चार्ज की तरफ जाएगा, मतलब सी की तरफ, आपका सी हम लोग को कैथोड याद रखना है, लेकिन कैथोड कैसे आपका नेगेटिव। यही केस में आपका एनायन कैसे देखो, हम लोग बोल सकते हैं वैसे उसके ऊपर एनायन के ऊपर चार्ज क्या है नेगेटिवली चार्ज, वो किसकी तरफ आकर्षित होगा एनोड की तरफ, लेकिन एनोड कैसे आपका पॉजिटिवली चार्ज। तो हमेशा जैसे आपने कभी देखा रहेगा रिमोट का, जो आपका हम लोग बोल सकते हैं कोई भी टीवी या एसी का रिमोट रहता है, हमेशा आपने कभी देखा रहेगा कभी भी सेल्स को हम लोग एक ही डायरेक्शन में नहीं अप्लाई करते, एक पॉजिटिव रहता है एक आपका नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पे देखो साइज ऑफ कैटायन आपका स्मॉलर रहता है उसके पेरेंट एटम से, एंड यहाँ पे आपका एनायन का साइज हम लोग बोल सकते हैं पेरेंट से ज़्यादा या लार्जर रहता है। एग्जांपल है, जब भी आपके सोडियम के ऊपर मेटल, आपका सोडियम पोटेशियम के प्लस एन ए प्लस, वो आपके कैटायन, एंड सी एल माइनस वी आर क्लोरिन एंड ब्रोमिन, दैट इज योर एनायन। ओके गाइज, लेट्स मूव अहेड। ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रो मतलब क्या आपका इलेक्ट्रिक करंट, लाइसिस मतलब क्या ब्रेकिंग डाउन करना। तो यहाँ पे देखो आपके इलेक्ट्रोड से आपका, ये देखो ये आपका हम लोग बोल सकते हैं कि आपके जो आयन्स यहाँ पे कैटायन से, कैटायन्स आपके पॉजिटिवली चार्ज है, वो किसकी तरफ आकर्षित है आपके, ये जो आपका इलेक्ट्रोड जो आपका सेल की तरफ देती है, जो कैथोड वो आपका नेगेटिवली चार्ज है। ओके, कैटायन्स आर पॉजिटिवली, कैथोड इज योर नेगेटिवली, तो हमेशा आपके पॉजिटिव आयन्स नेगेटिव कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यही आपके नेगेटिव एनायंस किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके गाइज, सो आपका अभी देखना है हम लोग को पीएच, पीएच क्या रहता है, पीएच की स्केल दी है। पीएच का मतलब आपका हम लोग बोल सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर पीएच, पीएच इज योर पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके गाइज, तो आपका ये साथ यहाँ पे इट इज़ अ वी कैन से एडवांस मेथड फॉर द टेस्टिंग ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो पहले के ज़माने में मतलब लिटमस पेपर भी यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल पीएच स्केल के हम लोग बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं पर्टिकुलर सब्सटेंस आपका, आपका हम लोग बोल सकते हैं कि एसिडिक है, बेस है या न्यूट्रल है। सेम आपके ये हम लोग पेपर को डिप कर रहे हैं, एंड जो कलर रेंज आएगा आपका तो कलर को आपको इसके ये स्केल के साथ मैच करके देखना है। अगर जो कलर आपका जो टेस्टिंग वाला जो पेपर है उसके साथ मैच होगा तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो देखो आपकी जो बैटरीज आती है, आपके जो हम लोग बोल सकते हैं लेमन, आपका स्टमक, स्टमक के अंदर जो एसिड रहता है, विनेगर, कॉफ़ी, आपका टमाटर, जो टोमेटोज आपके सब आपके एसिडिक रेंज में आते हैं। मिल्क थोड़ा बहुत आपके न्यूट्रल के रेंज में नज़दीक आपका आता है। वाटर टोटली आपका न्यूट्रल रहता है। बाद में आपका ब्लड मतलब खून, बेकिंग सोडा, आप जो स्टमक के टैबलेट्स लेते हो, जैसे एग्जांपल आपका इनो है, ये हम लोग बोल सकते हैं जेलोसिल टैबलेट है, अगर एसिडिटी ज़्यादा हुई तो आपकी बेसिक में आती है। बाद में आपके जो आपका सोप है, साबुन है, ब्लीचिंग पाउडर है, अमोनिया सॉल्यूशन, ड्रेन क्लीनर जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये सब आपके बेसिक या अल्कलाइन में आ जाते हैं। एंड न्यूट्रल आपका खाली आपका क्या है, दैट इज़ योर वाटर। ओके गाइज, लेट्स मूव अहेड। सो आपका आगे है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड एंड बेस क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, देखो स्ट्रॉन्ग में देखो यहाँ पे आप अगर डायग्राम देखते रहोगे या तो आपको देखा रहेगा, तो आपके बेसिकली प्रोटॉन्स, देखो आपके प्रोटॉन एंड नेगेटिव आयंस आपके स्ट्रॉन्ग एसिड में ज़्यादा है। यहाँ पे दिया देखो आपके ये रेड वाले जो नेगेटिव आयन है, प्रोटॉन आपके वाइट वाले, एंड आपका एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या, यहाँ पे आपके नेगेटिव हम लोग बोल सकते हैं आयन प्लस प्रोटॉन ये ज़्यादा रहेंगे। यही वीक एसिड में क्या रहेगा, आपका एसिड ही ज़्यादा रहेगा,
बल्कि आपके ये हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन्स कम अमाउंट में देख रहे हैं देखो, एंड आपका नेगेटिव एन एंड एसिड आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। आगे भी है और अच्छे से आपको समझेगा, सो लेट्स मूव अहेड। सो ये था आपका एक हम लोग बोल सकते हैं ओवरऑल सर्वे, या ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं एक शॉर्ट पॉइंट्स या मेमोरी मैप्स से आपके लिए। तो आपके कंपाउंड्स हमेशा आपके तीन इसमें क्लासिफाई होते हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। हमने पहले देखा आपका एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन, उसका पीएच लेस देन 7, बेसिस का पीएच ग्रेटर देन 7, उसके अंदर हाइड्रोक्साइड या ओएच माइनस आयन। यहाँ पे क्या रहता है, दे आर बेसिक रेडिकल आपका एच प्लस आयन्स भी रहते हैं एंड एसिडिक रेडिकल दैट इज योर सॉल्ट, मतलब ओएच माइनस आयन्स भी रहेंगे एच प्लस आयन्स भी रहेंगे, तो दैट इज अ न्यूट्रल कॉल्ड एज अ सॉल्ट। आपके एसिड्स में क्या देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड रहते, वीक एसिड रहते, स्ट्रॉन्ग बेस रहते, वीक बेस रहते। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या है कि आपका जब भी हम लोग डिजोल्व करेंगे तो एसिड आपका कंप्लीटली डिजोल्व होगा, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड क्या रहेगा, जब भी हम लोग एसिड को पानी के अंदर मिक्स करेंगे वीक एसिड को, तो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होंगे। सेम आपका स्ट्रॉन्ग बेस क्या रहेगा, जब भी बेस को आप पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे तो यू विल गेट अ कम्प्लीटली डिसोसिएशन। यही वीक बेसिस के साथ क्या रहेगा, जब भी हम लोग वीक बेस को डिजोल्व करेंगे पानी के अंदर तो आपका कम्प्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। बाद में आपके न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या हैं, जब भी आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट होता है तभी आपका नमक या पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड ये न्यूट्रल सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं। एसिडिक सॉल्ट्स क्या रहते हैं, आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा एंड वीक बेस रहेगा, बराबर है। इसके ऑपोजिट देखो बेसिक सॉल्ट्स क्या रहेंगे, आपका वीक एसिड रहेगा एंड आपका स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। ओके, ये कुछ आपके जनरल रिएक्शन से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल तो आपको यही पढ़ना है, लेकिन आप ये देख लो एसिड एंड बेस आपका क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। मेटल एंड डाइल्यूट एसिड रहेगा तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड रहेगा क्या बनाता है आपका, डाइल्यूट एसिड, मतलब मेटल ऑक्साइड आपके डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। नॉन मेटल अगर बेस के साथ रिएक्ट होगा ऑक्साइड तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। अगर आपको कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल रहेगा वो डाइल्यूट एसिड के साथ मिक्स किया तो क्या मिलेगा हम लोग को, उसके मेटल के भी सॉल्ट आ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आएगा एंड पानी भी। सेम आपके बायकार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या मिलेगा आपका, सॉल्ट ऑफ मेटल, मेटल के भी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट इज़ ओनली फॉर द एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल तो आपको यही मेमोरी मैप्स आपको इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन बटन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अबाउट माई वीडियोज़। सो गाइज थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग, लव यू ऑल।